हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नियो वर्ल्डटेक। दोस्तों मेरा नाम है नवीन। जी हाँ दोस्तों, अगर आप चाहते हैं इस साल 2023 में आपको एक सरकारी नौकरी मिल जाए तो आज का ये वीडियो आप सभी कैंडिडेट्स के लिए। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप सभी के लिए सरकारी विभाग की बंपर भर्ती की जानकारी लेकर आए हैं, जो की फरवरी के इस महीने की नई भर्ती है। जी हाँ दोस्तों, फरवरी में 2023 में नई और बम्पर भर्ती आ चुकी है, वो भी केवल 10वीं पास कैंडिडेट्स के लिए। जैसा कि दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं, सिर्फ 10वीं पास कैंडिडेट्स भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आप 10वीं क्लास पास हैं तो आप जो है इस साल 2023 में सरकारी नौकरी पा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, 2023 की ये नई भर्ती होने जा रही है, जो कि ऑल इंडिया की भर्ती है। मेल फीमेल, ठीक है, मेल और फीमेल सभी कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं इस भर्ती के लिए। तो दोस्तों अगर आप इंडिया के किसी भी स्टेट या डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं तो आप सभी कैंडिडेट्स जो है अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई जरूर कीजिएगा दोस्तों। अगर आप चाहते हैं सरकारी नौकरी पाना तो इस वीडियो को भी लास्ट तक जरूर देखिएगा, हम आपको बताएंगे इस भर्ती की पूरी जानकारी। दोस्तों ज्यादातर जो भर्ती है, आपको बता दें, बिना एग्जाम के बिल्कुल सीधी भर्ती है। अगर आपको ये टेंशन रहती है कि आपका एग्जाम होगा, आप एग्जाम में पास नहीं हो पाएंगे, आपके एग्जाम की तैयारी नहीं है, तो दोस्तों आप बिना एग्जाम की भर्ती के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। आपको सीधी भर्ती के माध्यम से यहां पर आते चयन प्रक्रिया में बिना एग्जाम के सीधी भर्ती के आपको नौकरी मिल जाएगी। तो दोस्तों इस भर्ती के लिए अप्लाई जरूर कीजिएगा। यहाँ पर जो भर्ती निकाली गई है, 52,000 से अधिक पदों पर यह भर्ती निकाली गई है, जिसके लिए ऑल इंडिया के कैंडिडेट्स जो है मेल और फीमेल अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो काफी खास होने वाला है। अगर आप सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों को भी इन भर्तियों की जानकारी हो और वो भी अप्लाई कर सके। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ घंटी का बेल आइकन दबा दें, ताकि अगली वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए आपको सीधा ऑफिशियल वेबसाइट की ओर लेके चलते हैं, जहां पर हम आपको एक एक करके पूरी भर्तियों की जानकारी देंगे। दोस्तों सबसे पहले हम आ चुके हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर, tipsworldbuzz.xyz पर। जी हाँ दोस्तों, ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर आपको रोजाना गवर्नमेंट जॉब की जानकारी सबसे पहले दी जाती है, चाहे वो स्टेट की हो चाहे वो सेंट्रल की वैकेंसी हो, सभी जानकारी आप ले सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। फ्री के मॉक टेस्ट भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए जाते हैं अलग अलग कॉम्पिटिशन एग्जाम की, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले नंबर की जो भर्ती निकल कर आ रही है SSC की तरफ से है, MTS की भर्ती। जी हाँ दोस्तों, इस साल 2023 की नई भर्ती है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन SSC की तरफ से। दोस्तों अगर अभी तक आपने SSC MTS की भर्ती के लिए अप्लाई नहीं किया है तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। लास्ट मोमेंट में अगर आप अप्लाई करते हैं तो टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण आपका फॉर्म जो है सबमिट नहीं हो पाएगा, जिस कारण से आपका जो सपना है SSC MTS में सिलेक्शन पाने का, वो आपका सपना अधूरा रह जाएगा। और इस भर्ती के लिए दोस्तों आपको बता दें, सिर्फ 10वीं पास, सिर्फ 10th क्लास पास कैंडिडेट्स जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो 10वीं पास कैंडिडेट्स के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, अप्लाई जरूर कीजिएगा, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS की पोस्ट पे वैकेंसी निकाली गई है। और यहाँ पर बात की जाए कुल पदों की संख्या की, तो यहाँ पर 12,523 पद हैं, पदों की संख्या को बढ़ा दिया गया है, ठीक है। तो 12,523 पद हो चुके हैं, पहले ये पद जो थे 11,400 कुछ पद थे, ठीक है। तो अब जो है लगभग 12,500 से अधिक पद यहाँ पर हो चुके हैं। वही बात की जाए अप्लाई करने की बोर्ड की, तो केवल आपको ऑनलाइन ही फॉर्म भरना होगा, ऑनलाइन ही आवेदन मांगे जा रहे हैं। ऑल इंडिया के जो कैंडिडेट्स हैं मेल और फीमेल सभी अप्लाई कर सकते हैं इस भर्ती के लिए। जॉब लोकेशन ऑल इंडिया की रहेगी, ठीक है। सिलेक्शन का जो प्रोसेस रहेगा उसमें दोस्तों आपका यहाँ पर तो एग्जाम होगा, प्री और मेन, ठीक है। इस भर्ती के लिए तो आपका एग्जाम होगा, एग्जाम के आधार पर ही आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। वही बात की जाए कि यहाँ पर सैलरी आपको कितनी मिल रही है, तो वो भी आपको बता दें कि 5200 से लेकर के 20,200 ये आपका बेसिक पे स्केल रहेगा, ठीक है। बेसिक पे स्केल आपका यहाँ पर ये रहेगा, ठीक है। उसके बाद आपको ग्रेड पे जो रहेगा 1800 रुपए का रहेगा, ठीक है। लगभग आपको जो है 35,000 रुपए पर मंथ आपको यहाँ पर सैलरी देखने को मिल जाएगी। पर मंथ आप जो है सैलरी यहाँ पर 35,000 रुपए कमा सकते हैं, ठीक है। एज लिमिट की बात की जाए तो कम से कम आपकी जो एज 18 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम जो है 25 साल तक के कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा रिलैक्सेशन भी है, अगर आप SC या ST के, या फिर अगर आप OBC, ठीक है, OBC NCL के कैंडिडेट्स हैं, तो आप ये ICU में छूट का बेनिफिट भी ले सकते हैं। बात की जाए दोस्तों एप्लीकेशन फीस की, तो यहाँ पर जनरल ओबीसी के लिए 100 रुपए है, जिसका पेमेंट आपको ऑनलाइन करना होगा। बाकी SC ST फीमेल्स के लिए कोई भी चार्जेस नहीं है। अगर आप फीमेल्स हैं SC की, माफ कीजिएगा, जनरल या ओबीसी की, तो आप फ्री में अप्लाई कर सकती हैं। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया, केवल 10वीं पास के लिए भर्ती है, तो 10वीं क्लास पास कैंडिडेट जो है इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों इसके आवेदन जो है 18 जनवरी से शुरू हो चुके हैं, 17 फरवरी 2023 इसकी लास्ट डेट है। तो दोस्तों 17 फरवरी तक आप अप्लाई कर दीजिएगा इस वैकेंसी के लिए, आवेदन जो है 17 फरवरी तक चलेंगे। यहां से आप क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं, यहां से आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। यहां पर जैसे दोस्तों आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा ये नोटिफिकेशन, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं
17 फरवरी तक इसके आवेदन चलेंगे। 10वीं पास कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसी है और यहाँ पर आपका जो एग्जाम होगा अप्रैल 2023 में होगा। तो जल्द से जल्द आपको ज्वाइनिंग भी मिल जाएगी, अप्रैल के बाद ही आपको ज्वाइनिंग भी यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। बात करते हैं दोस्तों दूसरे नंबर की भर्ती की, जो निकाली जा रही है पोस्ट ऑफिस की तरफ से, जीडीएस की भर्ती। जी हाँ दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं पोस्ट ऑफिस जीडीएस रिक्रूटमेंट 2023 के बारे में, जो कि इस साल 2023 की बंपर वैकेंसी है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडिया पोस्ट ऑफिस के डिपार्टमेंट से ही भर्ती निकाली गई है, जो कि ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस के पदों पर भर्ती है। ठीक है, तो जीडीएस की भर्ती के लिए अगर अभी तक आपने अप्लाई नहीं किया है तो आज ही अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो पद जारी किए गए हैं 40,800 प्लस पद जारी किए गए, ठीक है, जो कि बंपर वैकेंसी है इस साल 2023 की। दोस्तों ये भी भर्ती जो है ऑल इंडिया की भर्ती है, और इस भर्ती के लिए तो आपकी एग्जाम भी नहीं हो रही है, बिना एग्जाम के आपको ये सुनहरा अवसर मिल रहा है, वो भी केवल 10वीं पास कैंडिडेट्स को। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग राज्यों से जो भर्ती निकाली जा रही है सर्कल वाइज, जैसा कि उत्तर प्रदेश सर्कल में आप देख सकते हैं कितने पद हैं, पदों की संख्या आपके सामने मेंशन की गई है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, मध्य प्रदेश, केरला, पंजाब, महाराष्ट्र, नॉर्थ ईस्टर्न में, ओडिशा में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, तेलंगाना में, आसाम में, गुजरात में, वेस्ट बंगाल में, आंध्र प्रदेश में, इन सभी राज्यों में जो वैकेंसी है आप देख सकते हैं यहाँ पर वैकेंसी पूरी लिस्ट मेंशन कर रखी है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने कितने पद यहाँ पर है अलग अलग सर्कल। ठीक है, बात की जाए कुल पदों की संख्या की तो 40,889 पद है, लगभग आप मान के चलिए 41,000 पदों पर ये भर्ती हो रही है। ठीक है, इसके आवेदन आपको ऑनलाइन करने होंगे, सैलरी आपको 10,000 से 25,500 रुपए पर मंथ मिलेगी, इसके अलावा एक और पोस्ट है इसके लिए आप 29,000 रुपए तक सैलरी पा पाएंगे। ठीक है, वही दोस्तों बात की जाए कि इस भर्ती के लिए एज लिमिट क्या होगी, तो इस भर्ती के लिए कम से कम 18 साल की एज होनी चाहिए, अधिकतम जो है 40 साल की एज है। रिलैक्सेशन भी है रिजर्व कैंडिडेट्स को। वही बात की जाए एप्लीकेशन फीस की, तो जनरल ओबीसी के लिए 100 रुपए है, जिसका पेमेंट आपको ऑनलाइन करना होगा। एससी एसटी पीडब्ल्यू के लिए कोई भी चार्जेस नहीं है, फ्री में अप्लाई कर सकते हैं। बात की जाए क्वालिफिकेशन की, तो दोस्तों सिर्फ 10वीं पास कैंडिडेट्स जो है अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप दोस्तों 10वीं क्लास पास हो चुके हैं तो इस भर्ती के लिए अप्लाई जरूर कीजिएगा। ठीक है, आवेदन जो है शुरू हो चुके हैं। आवेदन की बात की जाए तो यहाँ पर 27 जनवरी से शुरू हो चुके हैं ऑनलाइन आवेदन, 16 फरवरी, ठीक है, 16 फरवरी 2023 इसकी लास्ट डेट है। ठीक है, 2023 इसकी लास्ट डेट है, तो 16 फरवरी से पहले आपको अप्लाई करना है। 10वीं पास के लिए वैकेंसी है, ये रहा लिंक अप्लाई करने का, यहाँ से आप नोटिफिकेशनों को डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं पोस्ट ऑफिस जीडीएस के ऑनलाइन आवेदन मांगे जा रहे हैं, यहाँ पर आप क्लिक करके रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं, ऑनलाइन फॉर्म जो है स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, किसी भी कैंडिडेट्स ने अगर अभी तक अप्लाई नहीं किया है, आवेदन करने में कोई भी समस्या आ रही है तो आप कमेंट कीजिएगा, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे किस प्रकार आपको अप्लाई करना है। यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स को हो सकता है आवेदन करने में कुछ दिक्कत आ रही हो। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो तो आप कमेंट कीजिएगा, हम आपको सेकंड वीडियो में बताएंगे कि फिर से आपको अप्लाई कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप अच्छे से आपको क्लियर करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों कोई भी सवाल है तो कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।